पन्ना जिले के अंतर्गत देवेंद्र नगर में विगत कई वर्षों से शराब का ठेका विद्यालय के नजदीक संचालित हो रहा है, जिसका पिछले वर्ष से समाज के लोगों द्वारा अनियंत्रित स्थानांतरित करने को लेकर प्रशासन से लेकर राजनीतिक स्तर तक अपनी शिकायत की गई है। इसके बावजूद भी शराब ठेका नियमों के विरुद्ध आज भी संचालित हो रहा है, जिससे आमजन में काफी रोष व्याप्त है। इसी के चलते मस्जिद कमेटी के सदर सफी मोहम्मद के नेतृत्व में स्थानीय तहसीलदार को कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपकर दुकान स्थानांतरित करने की बात रखी गई है। साथ ही प्रशासन को खुले शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर ठेका अपने स्थान से शिफ्ट नहीं होता है तो पूरा समाज महिला पुरुष और बच्चों सहित उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। स्थानीय लोगों के आवेदन पर प्रभारी तहसीलदार ज्योति सिंह द्वारा खुद कलेक्टर पन्ना के समक्ष विषय को गंभीरता से रखकर समस्या के निदान का आश्वासन दिए हैं। दरअसल क्या है कि जो दारू ठेका हुआ है अंग्रेजी शराब दुकान, ये मस्जिद के दायरे से 100 मीटर के अंदर पे है। जो प्रशासन की गाइडलाइन है कि 100 मीटर के दूर होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जो है एक एडवांस एकेडमी जो शैक्षणिक संस्थान भी है उसके 50 मीटर के दरमियान पे है। तो हम लोगों ने जो है आज तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया, इसके पहले भी हम कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं और प्रदेश के मुखिया जो अपने शर्मा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष उनको भी हम आवेदन दे चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो आज मैडम को फिर से हमने इसके लिए अवगत कराया कि जो है हमने आवेदन दिया कि मैडम जो कुछ हो सके, आप हमारे तहसील की दंडाधिकारी हैं और हमारे सब भाई लोग भी साथ में इसलिए आए हैं कि इसका कार्य आगे हो सके। बस कार्य योजना ये है, आचार संहिता जब तक है हम आदर्श आचार संहिता का पालन भी करते हैं। जिस दिन वोटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उस दिन हम लोग जन आंदोलन सामाजिक तौर पर अदर समाज के भी जो हैं वो भी हमारा सहयोग करने को तैयार है। हम चक्का जाम या उग्र आंदोलन या धरना प्रदर्शन जो कुछ समय हमारी कार्यप्रणाली में लगी।